ॐ अज्ञानति मिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। वाञ्छाकल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यमे गौरतविषये नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो सुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति परदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने कल इधर विश्राम दिया था कि लोकनाथ गोस्वामी उनको भेजते हैं बंगाल में रूप गोस्वामी के ग्रंथों का प्रचार करने के लिए, और आज्ञा भी देते हैं कि श्रीनिवास सर की आप इनका ख्याल रखना और उत्सव वगैरह करते रहना। इधर हमने विश्राम दिया था, कहते संकीर्तन करना और उत्सवों को मनाते रहना, इससे क्या होगा, लोग आकर्षित होंगे, आएंगे और भजन करना शुरू करेंगे। और कहते ईमानदारी से हमारे गोस्वामी की आज्ञा को पालन करना, ये मेरा आदेश है। फिर इन श्रीनिवास आचार्य को कहा कि नरोत्तम दास ठाकुर का ध्यान रखना, ये यात्रा थोड़ी लंबी है, और ये भी सावधान रहना, ध्यान देना कि उसकी भक्ति बनी रहे, उसकी भक्ति खराब न हो। ये बात अलग है कि नरोत्तम दास ठाकुर के लिए ये बातें लागू नहीं होती, लेकिन स्नेह के कारण श्रीनिवास आचार्य कहते कि नरोत्तम दास ठाकुर का देखना कि उसकी भक्ति कमज़ोर ना पड़े। क्योंकि जब इंसान भक्तों से दूर जाता है, धाम से दूर जाता है, उसकी भक्ति पे प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसलिए अगर साधु संग बना रहेगा तो उसकी भक्ति कभी कमज़ोर नहीं होगी, क्योंकि साधु के बीच पे कथा सुनने को मिलेगी और कथा से नाम कीर्तन होता रहेगा, और जहाँ पे नाम कीर्तन होता है वहाँ पे भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। देन श्रीनिवास आचार्य एंड नरोत्तम दास ठाकुर ऑफर देयर ऑबिसेंसेस टू लोकनाथ गोस्वामी। तो श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ गोस्वामी को दंडवत प्रणाम किया, वो अम्बरेशतम विद ग्रेट अफेक्शन, उन्होंने उनका आलिंग स्नेहपूर्वक आलिंगन किया। लोकनाथ गोस्वामी टोल्ड ए डिसाइपल, लोकनाथ गोस्वामी अपने शिष्य से कहते हैं, आई एम एन ओल्ड मैन एंड हैव नो स्ट्रेंथ, कम बैक क्विकली सो दैट आई कैन सी यू अगेन। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे में बल नहीं है, आप तुरंत आइए ताकि मैं आपके पुनर्दर्शन करूँ। क्योंकि गुरु भी अपने शिष्य से दूर नहीं होना चाहता है, क्योंकि जो कौन सा शिष्य जो प्रभु का प्रेमी है, जिसने राधा रानी की कृपा प्राप्त की है, कृपा के पात्र जीव गोस्वामी को भी विरह हो रहा है, लोकनाथ गोस्वामी ऐसे योग्य शिष्य को कोई नहीं चाहेगा कि वो हमसे दूर रहे। लेकिन महाप्रभु का ध्यान है कि जीव के कष्टों का हरण करना है, जीव पे कृपा करनी है, कैसे होएगा, जब योग्य पुरुष जाएंगे, भगवत कथा करेंगे, नाम कीर्तन करवाएंगे, तभी जाके सबके दुख दूर होंगे, अन्यथा दुख दूर नहीं हो सकते। देन ही रिटर्न टर्न टू श्रीनिवास विद टीयर्स इन हिज आईज, फिर वह श्रीनिवास की ओर मुड़ते हैं आँखों में आंसू बहाते हुए। ओ आचार्य नरोत्तम इज माई लाइफ एंड सोल, नरोत्तम ही मेरे प्राण और आत्मा है, नाउ यू आर टेकिंग हिम, डो नॉट ब्लेम हिम इफ एनीथिंग हैपन्स टू मी। तो कहते हैं तो उसको पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो, क्योंकि मैं भी भक्तों का वियोग सहन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए लेकिन उस पर कोई दोष नहीं, क्योंकि महाप्रभु की आज्ञा
सर्वोपरि है, उसी को हमको पालन करना चाहिए। इनफैक्ट प्रत्येक मनुष्य कर्तव्य है स्वयं भजन कराए करे और दूसरे से भजन कराए, प्रयास करे, भले वो सफल ना होए वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि उसने ईमानदारी से प्रयास किया इसलिए महाप्रभु की कृपा मिलेगी, उसको डेफिनेटली मिलेगी। उससे क्या होगा, जितने लोग इस हरिनाम संकीर्तन में सम्मिलित होंगे ना उतने संसार का मंगल होएगा, इतने लोग नर्क जाने से बच जाएंगे। इससे बड़ा परोपकार क्या हो सकता है किसी जीव को आपने नर्क यात्रा भोगने से बचा नाम कीर्तन करवा के। अगर नाम कीर्तन अहिर्निश कर रहे हैं लगातार करें तब तो मुक्त हो जाएगा, नहीं भी कर है छोड़ भी दिया क्योंकि नाम कीर्तन किया उसको मनुष्य का शरीर 100% गारंटी वो तो मिलेगा मिलेगा, भले मुक्ति ना भी मिले कम से कम नर्क की यात्रा से तो वो बच गया, ये बहुत बड़ी बात होती है। श्रीनिवास आचार्य कंसल लोकनाथ गोस्वामी विद स्वीट वर्ड। श्रीनिवास आचार्य लोकनाथ गोस्वामी को सांत्वना दी बड़े मीठे शब्दों में, एंड टुक द डस्ट फ्रॉम लोकनाथ गोस्वामी फीट बिफोर लिविंग, और उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी के चरण कमलों की धूल को अपने सिर पर धारण किया। ऑल ग्लोरी टू श्रीनिवास आचार्य एंड नरोत्तम दास ठाकुर, मे आई नेवर फॉरगेट देयर लोटस फीट। कहते हैं श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर की जय जयकार हो, मैं उनके चरणों को कभी ना भूलूं। संतों के कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि संत की कृपा बनी रहेगी, संत की याद आएगी तो ये याद आएगा संत क्या कथा सुनाते थे, क्या भाव देते थे, इसी प्रकार भगवान की याद आती रहेगी। संत का याद का मतलब नहीं कि शरीर का याद करना, संत का याद करने में संत ने उस दिन क्या कथा कही, क्या भाव दिए, उस भाव को स्मरण करके प्रभु को स्मरण करना, ये वास्तविक संत का चिंतन होता है। संत की सेवा क्या होती है कि संत की आज्ञा अनुसार चलना ही वास्तव में संत की सेवा है। और कोई भी संत जब आते हैं तो जीव से भजन कराने के लिए आते हैं। अगर आप भजन में लग गए हो, ईमानदारी से एकादशी का पालन करते हो, तो आप संख्या पूरा जप करते हो, तो संत की आपके पर कृपा 100% है, तभी आप कर पा रहे हो, अन्यथा नहीं कर पाते। द टू ऑलरेडी क्राइंग एट द इम्पेंडिंग सेपरेशन फ्रॉम लोकनाथ गोस्वामी, दोनों के आंखों में अश्रु थे क्योंकि वो भी लोकनाथ गोस्वामी का वियोग नहीं सहन कर पा रहे थे। देन वेंट टू सी गोपाल भट्ट गोस्वामी बोइंग डॉन्टिंग, फिर वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के दर्शन करने गए और उन्हें प्रणाम किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी सर आई एम हैप्पी टू नो दैट श्री रूप गोस्वामी बुक्स विल बी प्रीस्ट इन बंगाल। गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं मुझे बहुत खुशी है रूप गोस्वामी के ग्रंथों का अब प्रचार किया जाएगा बंगाल में, क्योंकि जो महाप्रभु दे गए हैं वो सर्वश्रेष्ठ ब्रज के भाव दे गए। महाप्रभु अगर अवतरित नहीं होते तो ब्रज के भाव के इस संसार में कभी प्रकाशित नहीं होता था। गोस्वामियों के माध्यम से, कृष्ण कविराज गोस्वामी के माध्यम से इन्होंने ब्रज के भाव बड़े विस्तार से प्रकाशित किए हैं। उसके पहले ये सब छिपे हुए थे लेकिन छिपे हुए थे, प्रकट नहीं थे, ये महाप्रभु की देन उन्होंने प्रकट किया। अगर हम गोस्वामी के ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे या उन संतों का संग नहीं करेंगे जो हमें भाव प्रदान करते हैं, तो आप ठगे गए किस्म से। उस सर्वश्रेष्ठ चीज़ को जो राधा रानी की सेवा है, जो भाव है, जो प्रेम है, उससे आप वंचित रह जाओगे। इस पे केवल और केवल आपका कसूर है, किसी और का नहीं है। हु एल्स बट यू आर कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग देम, ये आप लोग के अलावा कौन है जो जीवा को उद्धार कर सकता है, क्योंकि आप प्रेमी हो, नामनिष्ठ हो, कृपा के पात्र हो, तो जिसको कृपा प्राप्त है वही तो कृपा दे सकता है। जो भजनानंदी होता वही दूसरे से भजन करा सकता है, जो स्वयं नहीं करेगा वो दूसरे से कैसे कराएगा, जिसके जीवन में स्वयं प्रेम नहीं वो दूसरे को कैसे प्रेम प्रदान करेगा। यू मस्ट प्रीच लॉर्ड चैतन्य टीचिंग एज दे आर डिस्क्राइब इन दिस बुक्स, आपको महाप्रभु की शिक्षाओं को वैसे ही प्रकट करना है जैसे कि ग्रंथों में वर्णन किए गए हैं। एंड मस्ट रिजिडली फॉलो दी टीचिंग योरसेल्फ, और दृढ़ता से उन नियमों को स्वयं भी पालन करना। कथा दूसरों के लिए नहीं होती है, कथा पहले अपने लिए होती है। हमारा आचरण अगर सही है तो उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ना शुरू होता है, लोग उसको देखते हैं। हम बातें तो कर लेते हैं लेकिन स्वयं का आचरण नहीं तो आपकी वाणी का कोई असर नहीं पड़ेगा, लोग आपके आचरण को देखेंगे और कहेंगे ये सही नहीं है, और कोई आपकी बात को नहीं मानेगा।
तो पहले ये कहता है कि खुद इसका पालन करो, रूप गोस्वामी के शिक्षा को दृढ़ता से भजन करिए। ब्रज के भाव यानी जो प्रेम है जिस पर लेश मात्र स्वार्थ नहीं है, उस प्रेम को पहले प्राप्त करिए। आपको इनके पास प्रेम तो था ही, उस प्रेम को वितरण कर लोगों को शिक्षा दीजिए। टीच पीपल अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड फॉलो श्री जी गोज ऑर्डर टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। तो कहते हैं जीव के योग्यता के अनुसार उनको शिक्षा दीजिए और जीव गोस्वामी की बातों को आपकी क्षमता के अनुसार पालन करिए, क्योंकि महाप्रभु भी जनरल पब्लिक के आगे केवल नाम संकीर्तन की बात की है। जब श्रेष्ठ अंतरंग भक्त मिलते थे राय रामानंद स्वरूप दामोदर, तब जाके वो राधा कृष्ण की लीला की चर्चा करते थे, क्योंकि हर मनुष्य अधिकारी नहीं है, ना वो समझ पाएगा, उसके अंदर प्रेम नहीं है, उसके अंदर भक्ति नहीं है, वो अपनी तरह ही भगवान को समझ के गलत अर्थों में लेगा और अपना पतन कराएगा। नाम करते करते जब उसके अंदर योग्यता आ जाएगी तब वो उन शिक्षा का अधिकारी होता है, राधा कृष्ण की लीला का अधिकारी होता है। इसलिए जब तक वो नाम निष्ठा हो जाए, कई सालों तक नाम कीर्तन न करे, तब तक भगवान की जो गोपियों के साथ जो लीला है उसका ना वर्णन किया जाना चाहिए, ना उसको पढ़ना चाहिए। आप राम कथा पढ़िए, नरसिंह जी के अवतार पढ़िए, कपिल अवतार पढ़िए, इन शिक्षा को ग्रहण कर लिए। जब आप भजनंदी हो जाएंगे, अंतकरण की शुद्धि होगी, तब कृष्ण की लीला के आप अधिकारी हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। When you have completed your mission, return to Vrindavan so that I can see your boat to the full satisfaction of my eyes. तो कहते हैं जब आपका जब ध्यान पूरा हो जाएगा तो आप पुनः वृंदावन आ जाना ताकि मैं आपके दर्शन करूं और मेरे आंखों को तृप्ति मिले। दैट इज़ माई इंटरनल डिजायर, ये मेरी आंतरिक इच्छा है। ओ श्रीनिवास नरोत्तम, फ्रॉम टुडे आई विल बी विदाउट माई लाइफ एंड सोल। श्रीनिवास नरोत्तम, क्योंकि आप दोनों मेरे प्राण और आत्मा हो, आपके जाने से मैं प्राण और आत्मा के बगैर जीऊँगा। आई हैव नथिंग मोर टू से देन दिस, इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता। देखो क्यों ये प्रिय बने, इसका एक ही कारण है, स्वयं भजन किया और दूसरों को भी महाप्रभु का प्रेम प्रदान किया जो वो देने आए थे, इससे संतों के प्रिय बन जाते हैं। बगैर भजन के कोई भी प्रभु का प्रिय नहीं बन सकता, ये बात डेफिनेट है। आप आशीर्वाद मांगते हो, आशीर्वाद मांगने की वस्तु नहीं होती। ईमानदारी से भगवान के नाम जप करिए, सेवा करिए, दीनता लाइए हृदय में, अपने को तुच्छ मानो, सहन करो। जब तुच्छ मानोगे सहन करोगे तो हर परिस्थिति में अपने को ढाल सकोगे, एडजस्ट करोगे, फिर कंप्लेंट नहीं करोगे। कंप्लेंट करने का मतलब मैं अहंकारी हूँ, कंप्लेंट करने का मतलब ये होता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी को। तो ये बात गलत है कि मैं क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसके अंदर कमियाँ तो मेरे में भी तो हज़ारों कमियाँ हैं। अगर भगवान मुझे सहन करते हैं तो मुझे भी उसको सहन करना है। इससे कोई कंप्लेंट नहीं, किसी के बारे में ग्रंबल नहीं करना, नाम जप में लगे रहना। और इंसान के पास इतना समय भी नहीं होना चाहिए कि आपका ध्यान भगवान से छोड़कर दूसरी ओर जाए। अगर वो करे तो वह महामूर्ख है, वो आपका समय बर्बाद करे और अपने नर्क का द्वार खोल रहा है। और निंदा और चुगली करने का वो परिणाम क्या होता है, उसके कर्म आपके सिर पे ले रहे। प्लीज़ मत करिए, किसी के कर्मों का अपने सिर पे मत लीजिए, क्योंकि आपके कर्म तो खत्म नहीं हो रहे, दूसरों के मत लीजिए और अपने भजन में लगे रहिए। आपका तो आशीर्वाद वैसे ही मिल जाएगा अगर आप ईमानदारी से करोगे। आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, ये हृदय से स्वतः निकलता है जो ईमानदारी से भजन करता है। आफ्टर रिसीविंग श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ब्लेसिंग द टू डिवोटेड डिपार्टेड। गोपाल भट्ट गोस्वामी का कृपा प्राप्त करके दोनों भक्त जो हैं चले गए। आई कैन नॉट डिस्क्राइब हाउ सैड श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी फेल्ट व्हेन द टू लेफ्ट। अब मैं वर्णन नहीं कर सकता गोपाल भट्ट गोस्वामी कितने ज़्यादा दुखी हुए जब ये दोनों चले गए। एज ही रिमेन अनकॉन्शियस फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे गोपाल भट्ट गोस्वामी मूर्छित अवस्था में रहे। एज श्रीनिवास आचार्य वॉक अलॉन्ग दी पाथ विद नरोत्तम दास ठाकुर, ही क्राई प्रोफ्यूजली।
श्रीनिवास आचार्य जब चल रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर के साथ, रास्ते में बहुत फूट फूट कर रो रहे थे। ओ नरोत्तम, आई डिजायर ओनली टू लिव इन वृंदावन एंड सो मच स्पिरिचुअल मास्टर, तथे मेरी इच्छा थी केवल वृंदावन में रहने की और अपने गुरु की सेवा करने की, बट ड्यू टू माई ओन मिस्टेक आई एम नाउ अनएबल टू डू सो। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अब वो नहीं कर पाता हूँ। धाम से दूर होना, गुरु से दूर होना, ये दुर्भाग्य का ही लक्षण होता है। हाँ, अगर वो भेजते हैं महाप्रभु के अभियान के लिए, तब तो आपको, आप किधर भी रहोगे उधर ही आपको धाम की कृपा मिलेगी। ये नहीं कहने, क्योंकि आप जा रहे हो भगवान के कार्य को पूर्ण करने के लिए। जो इंसान भगवान के कार्य में जाता है, तब भगवान उसको अपनी कृपा देते ही देते, चाहे वो दूर भी रहे तो भी कृपा का अधिकारी हो जाता है। वैसे गलत है, लेकिन उनके सेवा के लिए दूर जाने में कोई दोष नहीं, उल्टा कृपा मिलती। भगवान भी समझते हैं, जानते हैं कि मेरे कार्य के दूर जा रहा है, इसलिए मैं उसको कृपा करूँगा ही करूँगा। नरोत्तम दास ठाकुर ऑल्सो क्राइज सो पैथेटिकली दैट वुड और स्टोन वुड श्योरली मेल्ट बाय हियरिंग ए लेमेंटेशन। नरोत्तम दास ठाकुर इतने ज़्यादा दुखी हुए, फूट फूट कर रोने लगे कि ऐसे तो पत्थर भी पिघल जाएं उनके दुख और विलाप को सुनते। ही कंडेम्ड हिमसेल्फ फॉर लिविंग ही बिलव्ड स्पिरिचुअल मास्टर एंड कंसिडर दैट दिस मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ ए ओन ऑफेंसेज। उन्हें इस बात का बहुत दुख था, अपने आप को कोसा कि मैं अपने गुरु से दूर जा रहा हूँ, मैं उनको छोड़ कर जा रहा हूँ और ये मेरे पापों का ही परिणाम होगा। द टू प्रभुज रोल्ड ऑन द ग्राउंड इन सेपरेशन। दोनों जो नरोत्तम दास और ये जो श्रीनिवास आचार्य थे, दोनों लौटते थे, रो रो के जमीन पर लोटपोट होते थे। द सीन वॉज सो सैड दैट इवन आई फील सर्जिंग इमोशंस वाइल राइटिंग अबाउट दी पास्ट टाइम। तो कहते वो दृश्य इतना दुखदायी था कि मेरे को भाव उत्पन्न हो जाते हैं जब मैं उनकी लीला को लिखता हूँ। देर इज नो डाउट दैट आई एम द मोस्ट सिंफुल पर्सन येट आई एम मूव बाई देयर बिहेवियर। कहते कि मैं बहुत अधिक दुष्ट पापी हूँ, लेकिन उनका व्यवहार देखे मेरा हृदय भी द्रवीभूत हो जाता है। यानी एक प्रेमी भक्त के अंदर कितनी क्षमता होती है, वो दूसरों के हृदय को भी पिघला सकता है। अपज ये उनकी दीनता है कि उनको ऐसा अनुभव होता है कि मैं तुच्छ हूँ। तुच्छ तो नहीं है जो भक्तों के चित्र को लिख रहे, जिनको आदेश मिला है जानवा माता से, तो वो कभी भी इंसान कुछ नहीं हो सकता। I feel fortunate to be able to describe their characters। मैं अपनों का परम भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उनके चित्र का वर्णन कर रहा हूँ। How great was the love and devotion for the spiritual master। कितना प्रेम और उनकी भक्ति थी अपने गुरु के प्रति। यानी कितना विलाप, कितना वियोग विव्रह उत्पन्न हुआ है कि जिस पास से वो रो रहे थे, लोट पोट हो रहे, फूट फूट के पता चलता है। How great were their divine qualities। उनके अंदर कितने महान सद्गुण होंगे जो इस प्रकार उनको आपके गुरु और धाम की याद आती है। विल आई एवर बी फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ ड्रॉप ऑफ सच डिवोशन। क्या मेरी ज़िंदगी में भी कभी इस प्रकार एक बूंद भक्ति का उपलब्ध होएगा जो उनके अंदर था। एनी वन हु गिव अप द पाथ ऑफ ड्राई आर्ग्यूमेंट एंड हियर दिस पास्टम विद फेथ विल श्योरली क्विकली अटेन द लोटस फीट और श्री राधा कृष्ण। तो कहते जो तर्क को त्याग देगा, यानी व्यर्थ की आर्ग्यूमेंट करना, बहस करते रहना, तर्क को छोड़ देगा, बुद्धि चलानी और निष्ठा से इन लीला को सुनेगा, उसे राधा कृष्ण जी के चरणों की प्राप्ति होगी। डिजायरिंग टू सर्व द लोटस फीट ऑफ श्री जानवर एन वी चंद्र आई नितिन दास नरे प्रेम विलास। कहते जानवा और वीर चंद्र के चरणों की सेवा की लालसा से मैं नितिन दास प्रेम विलास का वर्णन करता हूँ। अभी हम पढ़ेंगे श्रीनिवास आचार्य रिकवर द स्टोलन बुक्स एंड कन्वर्ट सकें। तो श्रीनिवास आचार्य ने कैसे उन ग्रंथों को पुनः प्राप्त किया जो चोरी हो गए थे, और राजा का हृदय कैसे परिवर्तित हुआ। ऑल ग्लोरीज टू श्री कृष्णा चैतन्य द डिलीवरर ऑफ द फॉलन। यानी उन कृष्ण चैतन्य की जय जयकार हो जो पतितों का उद्धार करने वाले हैं। ऑल ग्लोरीज टू नित्यानंद प्रभु
दी वेल्थ ऑफ द पुअर, उन नित्यानंद प्रभु की जय जयकार हो जो दरिद्रों के धन है। क्या धन देते हैं? प्रेम धन देते हैं। इसलिए जिसके अंदर प्रेम धन का अभाव है और उसको प्रेम धन चाहिए, नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लो, संतों का आश्रय लो, उनसे कथा सुनिए, नाम जप करिए, बहुत शीघ्र आपके जीवन में प्रेम धन की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि यही प्रेम धन आपको मरने के बाद गोलोक धाम देके जाएगा, उसका अधिकारी बनाएगा। संसार का धन संसार में ही रह जाएगा, लेकिन प्रेम धन आपको लेके जाता है। तो संतों के पास किस कौन सा धन होता है? प्रेम धन होता है। ऑल ग्लोरीज टू अद्वैत प्रभु, द ओशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, उन अद्वैत प्रभु की जय जयकार हो जो दिव्य गुणों के खजाने हैं। ऑल ग्लोरीज टू द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड हु फुलफिल ऑल ऑफ वन डिजायर्स, उन प्रभु की जय जयकार हो जो प्रभु की इच्छा पूर्ण करते हैं। अन्य प्रयास तो करते हैं, बाकी कृपा होती तो सफलता मिलती है, कृपा नहीं होगी तो सफलता नहीं होगी। कई बार प्रभु सफलता अपनी इच्छा से नहीं होने देते हैं, वो नहीं चाहते मेरे भक्त के अंदर अभिमान आए कि देख मैंने किया तो मैं सफल, इतने भक्त बना लिए। कहते नहीं, जिस पे मेरी कृपा होती वही बनता है, तो केवल मेरे शब्दों को उच्चारण कर सकता है, बनते मेरी कृपा से, तेरे बोलने से कोई नहीं बनता। इसलिए हम लोग को बार बार भगवान विफलता देते हैं, कहाँ सुनते, नहीं सुनते, क्या करोगे? हाँ बोलोगे माला ज़्यादा को लोग नहीं सुनना चाहते, हाँ लेकिन उनका भगवान परिस्थिति में ऐसे डाल देते हैं, उनका भजन बढ़ाना पड़ता है। और जब उनका भजन बढ़ता है, खुद अनुभव होता है कि हाँ मुझे बहुत लाभ हो गया भजन बढ़ने से। तो ये भगवान ही एक्चुअली सबसे भजन करा रहे, जीव किसी से कुछ नहीं करा रहा। ये सब कहने की बातें हैं कि मैंने ये किया तो मैंने वो किया, मैंने ये दिया मैंने वो बांटा, कुछ नहीं है। प्रभु की प्रेरणा से चीज़ें आती हैं, ग्रंथ आते हैं, प्रभु की प्रेरणा से जिसके पास जाना वो चले जाते हैं, प्रेरणा से भक्त आते हैं, और जिसको पर कृपा होनी होती है वो भजन में लग जाता है, और नहीं होनी होती तो वो नहीं लगता। जैसे आप देखोगे शंकर जी ने गणेश का सिर काटा, नया सिर दिया, दक्ष का सिर काटा, नया सिर दिया, इसका मतलब क्या है? यानी उनकी बुद्धि को परिवर्तित किया और उनकी बुद्धि भगवान में लगी। अगर हम साधु संग करें, कथा सुन रहे हैं और नाम जप में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, या नाम जप हम नहीं कर पाए, दो थोड़ी सी माला ज़्यादा नहीं करते, इसका मतलब कि हमारी पूजा भगवान ने स्वीकार नहीं की और हमको संत की कृपा अभी मिली नहीं है। आप भले अहंकार में बोलते हो और संत की कृपा मिल गई, मैं तो जाता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं ये सेवा करता हूँ, वो खिलाता हूँ, वो पिलाता हूँ, वो संत लोग अकबर रोटी खाने नहीं आए हैं, वो आपको भजन कराने आए हैं, प्रभु की वाणी सुनाने आए हैं। जो रियल संत होते हैं उन्हें प्रसन्नता तब होती है जब जीव भजन में लग जाए। अगर आपकी बुद्धि परिवर्तित नहीं हो रही, भजन में नहीं लग रही, दीनता नहीं आ रही, तो इसका मतलब सीधी सी है, क्योंकि जब रावण भी सिर काटता है तो शंकर जी उसके सिर को वापस सेम देते हैं, उसका नया सिर नहीं दिया, यानी उसकी बुद्धि परिवर्तित नहीं की। तो यानी आपकी पूजा का स्वीकार नहीं कर, आपकी बुद्धि परिवर्तित नहीं होगी। जिसकी पूजा स्वीकार की उसी की बुद्धि परिवर्तित होगी, वही भजन में लगेगा, और जो भजन में नहीं लगा तो समझो उसकी बुद्धि पर, और जिसका भजन कम होने लग गया समझो उसके पास संतों की कृपा हटने शुरू हो गई है, उसका बुरा समय आने लगा है, तभी उसके नाम में रुचि कम हुई है और नाम को कम करना शुरू कर दिया। और दुर्भाग्य आज का यह है कि लोग अपनी माला अपने साथ में कैरी भी नहीं करते हैं, घर पे छोड़ के आ जाते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। हमारे गुरुजी हमेशा माला साथ में लेकर जाते थे। एक बार हमारे गुरुजी गाड़ी में बैठे, दो मिनट के बाद उतर गए, तो हमारे अन्य गुरु भाई ने पूछा महाराज क्या बात है, वो चुपचाप गए अंदर और माला भूल गए थे, माला को लेकर। कहते मैं अपने गुरु की कृपा को कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं गुरु की कृपा में हमेशा साले, क्यों भले आप नहीं भी कर पाओ, कभी इमरजेंसी होए, कुछ होए, तकलीफ आ जाए, विपत्ति आए, आपका माला तो नहीं जप करने की, तो हम सब यमदूत के दर्शन होंगे, भगवान नाम जप करते हुए शरीर छोड़ दोगे। तो माला हमेशा अपने साथ होनी चाहिए, पहले तो हमेशा जपनी भी चाहिए,
आप किसी स्थिति में आप नहीं भी जब कुछ कर सकते हो तो एमरजेंसी कब आएगा, पति मृत्यु आए, हार्ट अटैक आया, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद माला लेकर बैठ के जब करना शुरू कर दो। हम माला जब घर पर छोड़ कर जाते हैं तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, यानी हम गुरु जी के वचनों को, गुरु जी के आचरण को समझ नहीं पाए हैं, इसका सीधा सा ये अभिप्राय है। और जबकि ये कथा बार बार कितने सभाओं में कही गई थी हम लोग को, अब किसी ने सुनी कि नहीं सुनी, या सुनते हैं या तो ध्यान नहीं देते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ बातें जो है मेरे दिमाग पे तो घुस जाती हैं और मेरे को ये बात बहुत सावधान रहता हूँ कि हाँ यार चले आप सामने एक मिनट के बने के दुकान पे भी जाओ, सामने एक मिनट कोई माला लेकर, क्या पता उस वक्त कोई विपत्ति आ जाए, कुछ आते शक्त निकाल के हरे कृष्ण बोलना शुरू कर सकते हो तो कम से कम आपकी दुर्गति तो नहीं होगी, क्योंकि कब मृत्यु आए किस रूप में अच्छी इतनी अचानक होगी आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए हमेशा माला अपने साथ होनी चाहिए और सोने के समय भी हमेशा अपने साथ ही रखो तकिए के पास, ताकि कभी कुछ तकलीफ रात कर तो माला हमारे हाथ के पास से हम शुरू कर सके जाओ। बाकी जिसके जैसे भाव वो कर सकता है, हमारे किसी पर जोर जबरदस्ती तो है नहीं, हम समझा सकते हैं, बाकी चलना नहीं चलना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लोग कहने वाले तो बहुत कुछ व्यर्थ की बातें करेंगे, नहीं इधर ही लेके जाना चाहिए, इधर नहीं लेके उधर नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो उनके भाव जो हैं, जब मुझे कुछ पर टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन हमारे गुरु जी ने हमें जो बताया मैं वो बता रहा हूँ, बाकी जिसको जो बताया वो उसका आपसे चल सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ये तो हमारे आँखों के सामने बात है। ऑल ग्लोरीज टू द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड हु फुलफिल ऑल अवर वन डिजायर, उन भक्तों के जय जयकारों जो उन भक्तों की महिमा को, जो जीव की इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। जो रियल भक्त होते हैं, ईमानदार श्रोता होते हैं, रियल भक्तों का संग करते हैं, उनके अंदर ही भगवान के दर्शन की लालसा जागृत होती है, उसी के अंदर भगवत कामना उत्पन्न होती है, संसारिक कामना उसके अंदर उत्पन्न नहीं होती, अगर है भी तो उसकी नष्ट हो जाती है संग के प्रभाव से, उसकी कामना नष्ट होनी चाहिए, नहीं हो रही है, या तो श्रोता में कमी है या वक्ता में कमी है, या अशक्ति हो रही उसकी नहीं हो रही तो डेफिनेटली उसके अंदर कमी है, वो ईमानदार नहीं है, उसके अंदर कपट है, इसलिए वो परिवर्तित नहीं हो पा रहा। अगर 10 लोग की हो तो उसकी भी होनी चाहिए, 11वीं की भी, उसकी क्यों नहीं हो रही, कारण है कि उसमें कुछ कमी है। अगर किसी की नहीं हो रही तब तो वक्ता में कमी हो सकती है, अगर सबकी कमियाँ हो रही है, प्रेम हो रहा है, भजन में रुचि बढ़ रही है, 2-4 की नहीं हो रही तो उसका मतलब कि 2-4 में खुद की कमी होनी चाहिए उनकी। ऑल ग्लोरीज टू श्री जानवा माता एंड ऑल ग्लोरीज टू वी चंद्र प्रभु, जानवा माता की जय जयकार हो और वी चंद्र प्रभु की जय जयकार हो। आई टेक शेल्टर एट द लोटस फीट, मैं उनके चरणों का आश्रय लेता हूँ। आई एम राइटिंग दिस बुक ऑन देयर ऑर्डर एंड राइटिंग ओनली व्हाट आई हर्ड फ्रॉम द माउथ, ये गन मैं उनकी आज्ञा से लिख रहा और वही लिख रहा जो उनके मुख से सुना था, यानी एज इट इज हमें उन शब्दों को यूज करना है, अपने कोई भी शब्द नहीं लगा, मैं इसलिए पढ़ता हूँ ग्रंथ हमेशा ताकि उन शब्दों को एज इट इज यूज कर सकूँ, नहीं तो क्या था उसके बदले ये उसके ऊपर अर्थ कई बार बदल भी सकते हैं उसमें, तो अर्थों को ना बदलें, इसलिए हम ग्रंथ को हमेशा पढ़ के ही सुनाते हैं कि यही शब्द लिखा है, इन शब्दों को एज इट इज बोल रहा हूँ। कई को अच्छा भी नहीं लगता कि आप पढ़ के सुनाते हो ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन भैया एक तो प्रमाण हो जाता कि हम शास्त्र ही पढ़ रहे हैं शास्त्र अनुसार, और सामने वाले की भी इच्छा हो जागृत होती हम भी इस ग्रंथ को पढ़ें। They ordered me to sit by their side while they narrated this past them in chronological order. यानी जाना माता भी चंद्र प्रभु का आप मेरे बगल में बैठिए और उनकी वो लीला का वर्णन कर रहे थे। I was so happy to hear of these wonderful past them directly from my master. मैं इतना प्रसन्न हुआ उन लीला को श्रवण करने से क्योंकि उनके अपने गुरु के मुख से मैं डायरेक्ट सुन रहा था। श्रीनिवास आचार्य एंड नरोत्तम दास ठाकुर डिपार्टेड एट एन ऑस्पिशियस मोमेंट, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर शुभ समय पे विदा हुए।
श्री जीव रिपीटेडली रिक्वेस्टेड देम टू सेंड रेगुलर लेटर्स डिस्क्राइबिंग हाउ देवर एंड व्हाट देवर डूइंग। जी गोस्वामी ने बार बार उनसे कहा, आप अपना समाचार पत्र के द्वारा देते रहिए कि वो कैसे हैं और वो क्या क्रिया करें, क्योंकि गुरु जानना चाहता है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा, जीवों का मंगल उद्धार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गुरु को चिंता होती है, पहले जो मेरे शिष्य है वो तो बराबर है कि नहीं, कुशल है, भक्त है, कभी कहीं वो तो विचलित ना हो जाए, ये भी चिंता होती है, और वो बराबर सही तरीके से पेश करे कि नहीं करे। देखो कितने लोग का हृदय परिवर्तित हो रहा है, कितने भक्त बन रहे हैं, ये प्रमाण है कि आप कृष्ण के और गुरु के कृपा के पात्र हो। किसी का हृदय परिवर्तित करना आसान नहीं है। अगर कोई सफल हो रहा है किसी का हृदय परिवर्तित करने में और भक्त बनाने में, उसके पीछे कृष्ण और गुरु की कृपा ही चल रही है, इसलिए वो सफलता मिलती है। उसको अपनी विशेषता नहीं मांगी, मैं कितना योग्य हूँ, भगवान जिससे चाहे अपना काम करवा सकते हैं। अगर तुम्हारे हाथ से काम करवाए उनकी दृष्टि तुम्हारे पर है, वो बात अलग है। अगर कल अहंकार आएगा तो वो चीज़ वो किसी और से काम कराएंगे, उनको तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, उनके तो अनंत सेवक है, उनके तो संकल्प से कार्य हो सकते हैं, उनको तो किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जीव को मान सम्मान देने के लिए उसके हाथ से काम करा के उसको सफलता प्रदान कराते हैं। ये प्रभु का स्वभाव है। अब भक्तों का स्वभाव है कि वो अपने प्यारे के गुणगान करे, अपनी विशेषता ना माने। द टू प्रभु बस ही ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड एम टू बी केयरफुल एंड टू टेक गुड केयर ऑफ देमसेल्फ। उन्हें भी कहा कि आप सावधान रहना और अपना देखभाल करना। द टू प्रभु बस सुन ओवरवेल्म्ड विद सेपरेशन फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर। दोनों प्रभु जो हैं अपने गुरुओं से के कारण, वियोग होने के कारण बहुत दुख हो रहा था उन्हें, एंड द अदर डिवोटीज एज वेल फ्रॉम द लैंड ऑफ वृंदावन, और अन्य भक्तों से भी हमें दूर जाना पड़ा। ये अच्छी चीज़ नहीं है, भक्तों से कभी दूर नहीं होना चाहिए। अब भक्त कई बार प्रभु की इच्छा से आम इंसान पे कृपा करने के लिए ब्रज से दूर जाते हैं प्रचार के लिए, वो अलग बात होती है। प्रभु की इच्छा से जी पे कृपा करने के लिए कई बार भक्त जाते हैं, लेकिन वो फंसते नहीं है माया के अंदर, क्योंकि वो जा रहे हैं प्रभु के कार्य के लिए, तो उनके पीछे प्रभु की कृपा चल रही होती है। और क्या करते हैं, प्रत्येक जी को वो ब्रिज में ले लाना चाहते हैं, ब्रिज की ओर ले जाना चाहते हैं। बाकी जो कितने आएंगे वो तो राधा रानी की कृपा पर है, जिस पर वो कृपा करेगी वही जाएगा, सब तो जा नहीं सकते हैं। तो वो प्रयास करते हैं, भगवान आपके प्रयास को देखते हैं, रिजल्ट सफलता भगवान के हाथ पे आपके हाथ में नहीं है। हो सकता कभी सफलता मिले और हो सकता अधिकता असफलता ही मिले अधिक समय, क्यों आपके अंदर अहंकार ना आ जाए, इसलिए मैं असफलता आपको बार बार दूंगा। समझे ना, आपके जीवन में मैं वैर विरोध खड़ा कर दूंगा, सबके प्रति, घर वालों के प्रति, दोस्तों के प्रति, रिश्तेदारों के साथ, और यहाँ तक कि गुरु भाई से क्यों खड़ा करूँगा, ताकि तुम मेरे प्रति समर्पित रहो, मेरे प्रति ही आसक्ति रहे, तुम्हारी आसक्ति सबसे कटे। इससे ये जो क्रिया मेरी इच्छा से हो रही है, जो ईमानदारी से भजन करता है उसकी स्वाभाविक आसक्ति सबसे अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है और वो सबसे दूर होता जाता है। और अगर उसकी दुश्मनी बढ़ रही है, दोस्ती बढ़ रही है और संसार में प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो समझो उसे प्रभु की कृपा बिल्कुल नहीं मिल रही है, उस पर माया ने उसको फंसा दिया है। और वो ये सोचता है ब्रह्मवश, और बड़ी कृपा जी, बहुत अच्छा हो रहा है, हम जा रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम गप्पे मिला रहे हैं, मिल रहे हैं, रोज़ एक दूसरे को ये करें वो करें, और माला कितनी हो रही है, माला तो बहुत कम हो रही है, 10-16 माला करें उसके ऊपर कर नहीं पा रहे हैं, कृष्णा के मिलना, दोस्तों के मिलना, व्यर्थ की बातें करना, तो ये कृपा का लक्षण नहीं है। वो इसे कृपा समझता है, ये बहुत बड़ा उसको धोखा मिल रहा है। कृपा ये है कि आपकी सब तरह से आसक्ति कटे,
और आपके भगवान के प्रति शरणागति बढ़े और आपका मन संसार से उबे। बार बार जब प्रतिकूलता के आपके संसार में बेइज्जतियाँ होती हैं, जो विपरीत परिस्थितियाँ खड़ी होती हैं, तभी तो मन चिढ़ता है संसार से, मुझे रहना नहीं, मुझे संसार बेकार है, तभी तो मन उबता है। मन उबना संसार से मतलब कि आप पे अब कृपा बरसी है, क्योंकि आप प्रभु प्रति आपकी शरणागति बढ़ेगी, आपका प्रेम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये रियल संत की कृपा होती है, यही वास्तव में संत की कृपा है कि तुम्हारा संसार उजड़ जाए। संसार उजड़ना ही संत की कृपा है, यानी रिश्तेदारी से दूर होना, दोस्त से दूर हो जाना, सबसे दूर हो जाना, केवल उन भक्तों का संग रखना जो भजनानंदी और हमें भजन, जो स्वयं भजन करते हैं और हमें भजन में सहायता करते, वही हमारे शुभ चिंतक है जो भजन बढ़ाने में सहायता करे। जो भजन बढ़ाने में सहायता न करे और आपको घुमाए फिराए, इधर उधर की बातें करे, मनोरंजन करे, ये सब करे, वो दिखने में होता है हमारे दोस्त हैं, वो वास्तव में वो हमारे शत्रु ही हैं। उन सब से दूर होने में कोई दोष नहीं है। तो कहते हैं उन्हें बहुत दुख हुआ अपने गुरु से और धाम से दूर होने का, भक्तों से दूर होने का। ऑल दे ट्राई टू रिमेन काम, दे वर अनएबल टू डू सो। उन्होंने अपने आप को शांत बनाने की चेष्टा की, लेकिन अपने आप को शांत नहीं बना कर सके, क्योंकि प्रेम तो था धाम। इससे क्या होता है, बार बार धाम जाने का मतलब हमें धाम में आसक्ति होनी शुरू होती है, क्योंकि आप पैसे लगाते हो धाम दर्शन के लिए, विश्वासियों को पैसे देते हो, तो कहाँ जा रहे हैं आपके पैसे, धाम सेवा में जा रहे हैं। धाम में जरा भजन करो, तभी तो आपकी आसक्ति धाम में होगी। मृत्यु के समय याद आ गया, और जी ये तो रास्ता जाता है, ये रोड जाती है बरसाने का, ये रोड जाती है गिरा जी का, वो रोड भी याद आ गई बरसाने की या गिरा जी का धाम की, तो भी आप तरोगे, क्योंकि कोई ना कोई धाम का चिंतन हो रहा है। अरे ये खेत तो है गिरा जी के खेत है ये, या ये बरसाने के, ये नंदगांव के हैं, या ये जो गली है नंदगांव की गली है, उसी पगडंडी जो है छोटा, तो वो भी अगर याद आ गया, भले ठाकुर जी याद आए ने, उनका धाम, उनकी कोई भी वस्तु, पेड़ पौधे भक्त जो ब्रिज के अंदर है, वो याद आए तो भी आप तरोगे ही तरोगे, क्योंकि ब्रिज की याद आ रही है। और बार बार जाने से धाम में आसक्ति पैदा होती है, और जिस पर राधा कृपा होती वही जाता है, और नहीं तो वो नहीं जा पाएगा, वो जाते जाते रह जाएगा। हमने देखा है लोग शाम की ट्रेन होती है, दोपहर को कैंसिल करनी पड़ती है और नहीं जा पाते। तो ठीक है, जैसा भी है, प्रभु को पता है। कई बार प्रभु आप आसानी से जा पा रहे हो, कई बार तो आपके अंदर ये अभिमान भी आ जाता कि मैं तो जाता ही, मेरे पर तो बहुत कृपा, मैं जाता हूँ। फिर प्रभु क्या था, कई बार उसको दुर्लभ कर लेते हैं, आपको जो नहीं जा पाते कुछ कई वजह से, कोई ना कोई बहाने खड़े जाने के, तो ये दिखाना चाहते हैं तो सोचा तू आसानी से आ रहा है, या तू किसी को लेके आ रहा है, तुम भी मेरी कृपा से आ रहा था और वो बाकी भी मेरी कृपा से आ रहे थे, ना तो अपने आप आ सका, ना तो किसी को ला सका, सब तो मैं ही ला रहा था। ये हमें ठाकुर जी दिखाते हैं, ना तो किसी को ला रहा था और ना खुद आ रहा था, जो तो आता भी मेरी ही कृपा चल रही थी, जिसकी वजह से तू आ पा रहा था। तो अभी तेरे को दिखा दिया, तू नहीं खुद नहीं आ पा रहा, तो क्या दूसरे को लाएगा, और तू नहीं आ रहा फिर भी यात्रा हो रही है, तो मतलब कि तू कराने वाला नहीं, तेरे को मैं श्रेय दे रहा था, तू अभिमान पा लिया कि मैं करा रहा हूँ, बस तेरी कृपा हटा देता हूँ, तू देख तू नहीं जा रहा तो भी यात्रा चलती। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान की कृपा होती है हमें दीन बनाने के लिए, विपरीत परिस्थितियाँ बार बार खड़ी करते हैं, क्योंकि हम लोग नलायक लोग हैं, थोड़ी सी अनुकूलता आ जाती है हमारे अंदर, अहंकार बहुत शीघ्र आता है, हमको लगता है कि हमारे जैसा कोई है नहीं, हम नहीं होते तो कुछ हम ही कर रहे हैं सब, तो हम ये बताते तू है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, सब काम होता रहेगा। जीव गोस्वामी हैड पर्सनली फिल्ड लार्ज ट्रंक विद हिज ओन एंड श्री रूप गोस्वामी बुक्स। जीव गोस्वामी ने बहुत बड़े संदूक में अपने और रूप गोस्वामी के दोनों ग्रंथ भरे थे। ही नाउ हैड द ट्रंक्स लोडेड ऑन टू द बुलक कार्ट। उसने उन बैलगाड़ी पे वो सारे संदूक जो ट्रंक थे चढ़ाए।
She Jeev locked each of the boxes and had them covered to protect them from the element. तो जीव गोस्वामी ने उनको ताला लगाया और उनको ढक दिया ताकि बारिश वगैरह ना पड़े और कोई ख़राब ना हो किताबें. फाइनली ही गेव द थ्री डिवोटीज इनफ मनी फॉर द जर्नी. तीनों भक्तों को इन्होंने पर्याप्त धन दिया कि आप इस यात्रा में ले जाइए, आपकी आवश्यकता जो होगी उससे पूरी हो जाएगी. दट Three devotees meditated on Sri Roop and Sri Sanatan Goswami lotus feet as the assembled devotees invoked the name of Lord Chaitanya, Lord Nityananda and Advait Prabhu to ensure a safe journey. तो इन तीनों भक्तों ने क्या किया, रूप और सनातन गोस्वामी के चरण कमलों का चिंतन किया और जितने भक्त वहाँ पर उपस्थित थे सब महाक्षेत्र महाप्रभु नित्यानंद और अद्वैत प्रभु इनका नाम का उच्चारण करने लगे, क्योंकि प्रभु का नाम लेकर जब जाओगे तब हर चीज़ मंगलकारी हो जाएगी. तो ये बात रामायण में भी आती ना, जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो वो लंकिनी क्या बोलती, प्रवेश नगर की जय सब का आजा, हृदय राखी कोशिश पूरा जा. यानी आप प्रभु को हृदय में धारण करके लंका में प्रवेश करिए. उसके लिए क्या होता है, विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और सुमेरु पर्वत धूल के समान हो जाता है जो प्रभु को धारण करते हैं. तो किधर भी जाओ, जाना तो पड़ेगा, संसार में रह रहे हैं तो, लेकिन प्रभु का स्मरण करते हुए नाम जपते हुए जाइए तो आप संसार में कभी नहीं फंसोगे. इसलिए तो आप देखोगे जनकपुरी में राम जी क्या बोलते हैं विश्वामित्र जी को, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, आपकी छत पर मैं नगर दिखा के लाओ. तो जब उन्होंने कहा विश्वामित्र अगर लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं तो वो जाके देख के आ सकते हैं, तो क्यों दिखाने जा रहे हैं उनको, वो कोई छोटे बच्चे तो आने की वो देख नहीं सकते. तो प्रभु ने कहा लक्ष्मण जी को, जीव अगर जीव माया की नगरी में जाएगा अकेले तो उसकी चमक दमक देख के भटक जाएगा, अगर मैं साथ जाऊंगा तो उसे दिखा के वापस ला सकता हूं. यानी ईश्वर का भजन बना रहेगा तो संसार में फंसोगे नहीं, और भजन नहीं रहा तो संसार के चमक धमक में हम फंस जाते हैं. इसलिए हर समय स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जाना तो सब जगह पड़ता है, चाहे चाहो नहीं चाहो आपको ले जाएंगे, लेकिन प्रभु का स्मरण निरंतर जाप चलना चलता है. यानी ये कृपा ही है कि निरंतर जाप चल रहा है, इसमें आपकी कोई विशेषता नहीं है, ना आपके प्रयास है, ना बुद्धि, ना बल है कि मैं जाप करूँ. केवल और केवल महाप्रभु की कृपा चल रही है, नित्यानंद की कृपा चल रही है कि आपके मुख से नाम निरंतर निकल रहा है. नहीं कृपा होगी तो आपसे निकलना बंद हो जाएगा. तो अगर आपसे अधिक माला हो रही है तो महाप्रभु को नितिन जी को धन्यवाद दीजिए कि आपकी कृपा से हो रही है, और जो नहीं कर पा रहे वो भीख मांगे नितिन प्रभु महाप्रभु से कि मुझ पर कृपा करो कि मेरी भजन का संख्या बढ़ जाए. मैंने कहा ना कल भी का फिर दोहराता हूँ, अनर्थ कम करने के लिए मिनिमम 64 माला मिनिमम 64 करनी पड़ेगी, तब अनर्थ कुछ कम होने शुरू होंगे. ज़्यादा से ज़्यादा माला करोगे तभी अनर्थ कम होंगे, 64 से नीचे भजन माला रहेगी तो अनर्थ नहीं कम होंगे. बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा. अगर जो अनुभव करना चाहता है इस चीज़ का कि अनर्थ मेरे कम होए, उसको आपके भजन के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, वो भी नाम जप को और कुछ नहीं, सिर्फ नाम जप को. साधु संग में रहे, कथा सुने, तभी नाम जप बना रहेगा. नाम जप बढ़ने से अनर्थ कम होंगे, बुराइयाँ छूटेंगी, नहीं तो नहीं छूटने वाली. हृदय में दया उत्पन्न होगी, क्षमा के भाव होंगे, कोमलता आएगी अगर आप भजन करोगे. नहीं तो कपट लेके बैठोगे तो हृदय में कठोरता ही रहेगी, और ना ही आपकी माला बढ़ेगी और ना ही आपसे कुछ होगा. She Jeev then led the car to the Govind Ji temple where all the devotees took darshan of Govind and prayed for the success of the mission. Ji Goswami उस बैलगाड़ी को लेकर गोविंद जी के मंदिर, राधा गोविंद जी का मंदिर है, उस गोविंद जी के मंदिर में गए जहाँ पे सब भक्तों ने दर्शन किए गोविंद देव जी के और इनके प्रार्थना की कि इनके कार्य में सफलता हो. मेरी कृपा तो लिए बगैर, आशीर्वाद लिए बगैर कभी सफलता नहीं मिलेगी. इसका प्रमाण
आपको मैं देता हूँ। लक्ष्मण जी आपको कई भाव है, एक ही भाव नहीं है। जब वो मेघना से युद्ध करने गए, आज्ञा लेके गए लेकिन प्रणाम नहीं किया, आशीर्वाद नहीं दिया, उसका परिणाम क्या था? काम का मेघना का बना तो मूर्छित हो गए। जब दूसरी बार जाते हैं प्रभु को आशीर्वाद लेके जाते हैं और उसका मानने में सफल होते हैं, मतलब कि दिखता है कि मालक, लेकिन मूल किसका आशीर्वाद चल रहा है? राम जी का, सफलता हो रही है। तो प्रणाम के बगैर जाओगे तो सफलता नहीं मिलेगी, अपने बल से जाओगे तो आएगा। हनुमान जी जब सीता खोज में गए, दूसरा प्रमाण, राम जी को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया तो सीता जी तक पहुँच गए। और जब संजीवनी बूटी लेने जाना था, अपना बल बखान करके चले, प्रभु को प्रणाम करने भूल गया, अपना बल बखान, मैं अभी क्या था, मैं अभी, ये अहंकार, मैं अभी, प्रभु आप आशीर्वाद दोगे तो कार्य में सफलता होगी। जब ये कि मैं करके आता हूँ, मैं भी करके आता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो क्या हो गया? भ्रमित हो गए, पहुँच नहीं पाए, बहुत से विघ्न आए, भूख प्यास भी लगी, बूटी को पहचाने पर उठाना पड़ा, अयोध्या के ऊपर से बाण लगा, गिर गए, ये बहुत से विघ्न उनको आए। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे हनुमान जी हो, अगर उनको भी प्रभु के आशीर्वाद की आवश्यकता है, प्रभु ये दिखा जाते हैं मेरी कृपा से हो रहा है। हम जैसे तुच्छ जीव बगैर आशीर्वाद लिए घर से किधर भी जाएं, भगवान को साथ लिए प्रणाम के बगैर जाएं, कैसे हमको सफलता मिलेगी? कभी भी ये अहंकार लेके मैं अभी कर कहता मैं कर लूँगा, नहीं, प्रभु आपका आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ, तेरी कृपा होएगी तो कार्य में सफलता आएगी, नहीं होएगी तो नहीं होगी, क्या कर सकता है, कृपा तो नहीं सफलता आएगी। तो कई हम गलतियां कर जाते हैं, इसलिए मैंने कहा ना, कथा पढ़ना एक चीज होती है, कथा को समझना, हृदय में धारण करना दूसरी चीज होती है। इसलिए संत के अनुगत में सुनने से हम अपनी गलतियों को देख पाते कि हम कहाँ पे गलती चूक कर रहे हैं और हम सुधरने की चेष्टा करते हैं। अपने अपनों का इतिहास पता चलेगा, लेकिन जो भाव हैं, जो हृदय बदलते हैं, वो तो संत के माध्यम से ही समझ में आते हैं। हमने भी संत के माध्यम से कथा सुने तो ही तो मैं दे पा रहा हूँ। कोई बोले कि मैं अपने बुद्धि चला रहा हूँ या अपने उदाहरण दे रहा हूँ या अपने बल, बिल्कुल गलत है। विभिन्न ग्रंथ पढ़ने से, संतों के, संत का संग करने से जो कृपा मिली है, नाम की महिमा से जो प्रभु सुकर बुद्धि देते हैं, वही जीव कर पाता है। क्योंकि नाम जब से प्रभु ही बुद्धि देंगे, क्योंकि जैसे लंका कांड में आता है, जब धर्मरथ का वादन किया गया तो कहते अर्जुन के सारथी तो कृष्ण बने, तो हमारा सारथी कौन होगा? ईश्वर का भजन ही सारथी है। भजन बना रहेगा तो सद्बुद्धि बनी रहेगी, प्रभु आपका मार्गदर्शन करेंगे सही। अगर भजन छोड़ दिया तो सारथी हट गया तो आपका मार्गदर्शन नहीं होगा और आपके गलत काम हो जाएगा। आपके हाथ से आपको लगा मैं सही कर रहा हूँ लेकिन वो गलत हो जाएगा, इससे आपको विपत्तियाँ आएंगी। इसलिए ईश्वर का भजन ही सारथी। अगर सारथी है तो रथ को पकड़ के रखेगा, ध्वजा पताका घोड़े सबको बराबर रखेगा, यानी भजन होने से सारे सद्गुण पकड़े जकड़े रहेंगे। अगर भजन छूट गया, रथ भी है, घोड़े भी हैं, सारथी सब कुछ है, यानी पहिया भी बराबर है, डोरी भी है, लेकिन सारथी तो किस काम का? सारे सद्गुण भी विपत्ति का कारण बन जाते हैं। क्यों? वो सद्गुण हैं लेकिन भजन ही, वो सद्गुण अभिमान पैदा करते हैं और इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं। वो सद्गुण भी विपत्ति का कारण बन जाते हैं। हम बोल सकते हैं कितना सद्गुण ही है, लेकिन जो भजनानंदी नहीं है, वो सद्गुण उसके अंदर कहीं ना कहीं अभिमान पैदा करेंगे करेंगे और उसका पतन कराएंगे करेंगे। और अगर वो भजनानंदी है, ज़्यादा गुण नहीं भी इसके अंदर है, तो भी वो कृपा का पात्र है, क्योंकि भजन उसको बचा लेगा, भगवत धाम में ले जाएगा। और कई बार इसके भी भगवान दूर नहीं होने देते सारे अवगुणों को, ताकि उसके अंदर दीनता बनी रहे। उसको तो यही लगता है यार मैं भजन कर रहा हूँ, मेरे अवगुण दूर नहीं हो रहे, मैं तो भक्ति नहीं हूँ। कई बार ये प्रभु रोक के रखते हैं ताकि तू तो और भजन के लिए प्रयास कर, तेरे अंदर दैन्यता बनी रहे। नहीं जरूरी प्रभु आपके अंदर सारे अवगुण नष्ट होने देंगे, थोड़े बने रहो ताकि तू तो चेष्टा, अगर ये पता चल गया मेरे अवगुण नष्ट हो गए तो अहंकार आए बिगड़ रहेगा नहीं। अहंकार ना आए इसलिए थोड़ी बुराइयाँ बनी रहेंगी। इसलिए जो भजन करते हैं, हमने कभी कोई बुराई दिखती भी है तो समझो प्रभु की इच्छा से वो बुराई उसके अंदर दिखती है, है उसको प्रति निरादर के भाव नहीं रखना, आदर के भाव रखना, उसका भी नीचा नहीं देखना, आदर के भाव रखना।
क्योंकि वो भजन कर भजन आनंदी है, उसमें अवगुण रह नहीं सकता। अगर रह रहे तो प्रभु की इच्छा से उसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो और आप कैसे क्या होगा, दूसरे दूसरे चिड़ेंगे, क्या क्या भजन ये करा वो करा, चिड़ेंगे उससे चिढ़ जाएंगे, उससे चिड़ेंगे उसको दुत्कारेंगे, उसको दुत्कारेंगे क्या होगा, उसका दिल टूटेगा और वो आपसे दूरेंगे। ये भी कितनी ज़बरदस्त कृपा है कि उसका दिल संसार से हटा रहे हैं और आपको उस भक्त से दूर कर रहे हैं जो सच्चा भक्त है, क्योंकि उसको उन्होंने तारना है, तुम्हें तारना नहीं है, इससे तुम्हें अनुकूल आह देख कितने मेरे दोस्त बढ़ गया है, कितने रिश्तेदारी बढ़ गए, कितने शिष्य बढ़ गया है, मेरे हर वक्त घूमते आगे पीछे मेरे को मान सम्मान देते हैं, ये क्या मान सम्मान का, ये कृपा का लक्षण है। अरे भजन बढ़ना कृपा का लक्षण है, ये सारी उपलब्धियाँ हो ये कोई कृपा के लक्षण नहीं है, ये माया का खेल है जिसको जी फंसता है और जी समझ नहीं पा रहा है। जिसको वो कृपा समझता है वो कृपा नहीं होती, वो माया का खेल होता है। कृपा यही है कि आसक्ति घट रही है, वैराग्य बढ़ रहा है, भजन में निर्भरता बढ़ रही है, भगवान में निर्भरता बढ़ रही और भजन की वृत्ति बढ़ रही है, ये कृपा के लक्षण होते हैं, ये कृपा के लक्षण। सर में आई बात, अगर नहीं समझ में आ रही है तो भजन बढ़ाइए, भगवान की कृपा आएगी तो अपना चीज समझ में आएगी। लॉर्ड गोविंद पुजारी ब्रॉट द थ्री ट्रेवलर्स गोविंदजी रेमनेंस इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड फ्लावर गार्लैंड्स एंड द थ्री वंस अगेन ऑफर्ड ऑब्लिगेशंस। गोविंद देव जी के पुजारी ने उनके लिए प्रसाद लेके आए, इन तीनों यात्रियों के लिए जो भोग था वो फूलों का हार और क्या किया, और इन्होंने फिर पुनः प्रणाम किया गोविंद जी को और चले। श्रीजीव अकंपनी डैम टू मथुरा वे दे ऑल स्पेंड अ नाइट। जी गोस्वामी उनके साथ मथुरा तक गए जहाँ पे वहाँ पे उन्होंने पूरी रात व्यतीत की। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही अरेंज फॉर अ कस्टम ऑफिशियल to write a note saying that the trunk of books were to be delivered to a person at Yajpur. प्रातकाल उन्होंने ऐसी व्यवस्था की जो गवर्नमेंट के कस्टम वाले थे कि तुम एक ऐसा पत्र लिख के दो कि इन ट्रंक के अंदर जो ग्रंथ हैं वो याजपुर में किसी भक्त को हमें पहुँचाना है, बंदे को देना याजपुर में। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग देवर अबाउट टू लीव मथुरा श्री जीव अम्बरीश श्रीनिवा आचार्य एंड नरोत्तम दास ठाकुर एंड सेड। प्रातःकाल जब वो मथुरा छोड़ के जा लगे, जीव गोस्वामी श्रीनिवा आज नरोत्तम दास ठाकुर आलिंगन करते हैं। लॉर्ड गौरांग इज द क्रस्ट ऑफ ऑल दोस हु टेस्ट ट्रांसेंडेंटल रस। तो कहते हैं महाप्रभु जो है गौरांग कौन है, वो मुकुटों में मणि है, सर्वश्रेष्ठ है, जो दिव्य रस का रस स्वादन करना चाहते हैं वो आपको महाप्रभु से ही प्राप्त होगा, वही आपको ब्रज का रस प्रदान करा सकते हैं। रूप एंड सनातन गोस्वामी आर इज टू बॉडी। रूप और सनातन गोस्वामी उनके शरीर के दो अंग हैं, यानी जो वो लिखते हैं वो समझो महाप्रभु ने उनके माध्यम से लिखवा रहे हैं, उनके ग्रंथ समझो महाप्रभु का, आप उनका ग्रंथ पढ़ोगे समझो महाप्रभु का, आप डायरेक्ट संग करो उनके वाणी के द्वारा, उनके राइटिंग्स के द्वारा। यानी हम जो भी संत का ग्रंथ पढ़ते हैं तो आपको ये भाव हम उस संत का संग करें उनके लेख के द्वारा, उनकी वाणी को हम जब पढ़ते हैं हम उसका डायरेक्ट संग कर रहे हैं उस संत का, और आपका भजन अच्छा होएगा और संत की कृपा होगी, वो चीज़ आपको समझ आनी भी शुरू होगी, नहीं तो पढ़ के जरूर नहीं कि समझ में आए। ये भगवान की कृपा संघ की कृपा पर निर्भर है, आप कितनी शरणागत होकर कितने दीन भाव से पढ़ते हो और प्रार्थना करिए प्रभु तो कृपा करेगा तो ग्रंथ समय की जिस जो संघ के ग्रंथ पढ़ रहे हो तो ये जैसे आप रूप गोस्वामी ग्रंथ को पढ़ा, रूप गोस्वामी से कहो तो आप प्रार्थना करो प्रभु आप कृपा करोगे तो आपकी लिखी हुई चीज़ समझ में आएगी, मेरे में तो क्षमता नहीं इनको समझने की, आपकी कृपा से समझ आएंगी। ये दैन्य भाव से जब हम भजन करेंगे तब हमको कृपा मिलनी शुरू होती है। They personify love for Lord Chaitanya and are fully empowered by him.
यानी वो महाप्रभु के साक्षात प्रेम हैं और प्रभु के कृपा के पात्र हैं, तभी तो वो इतने बड़े बड़े काम कर पाए, ग्रंथों का निर्माण कर पाए, भक्तों का हृदय परिवर्तित कर पाए। ये बिना कृपा के कोई नहीं कर सकता, जब तक कृपा शक्ति का संचार ना हो। ये कृपा शक्ति का संचार था उनके अंदर, तब चाहे स्वामी महाराज जो हमारे परम गुरु जी थे या जो भी थे, जो इतनी सफलता मिली क्योंकि वो प्रभु के कृपा शक्ति के पात्र थे, इसलिए वो सफलता मिली। हम और आपको सफलता इससे नहीं मिलती क्योंकि हमारा भजन बराबर नहीं है, हमारी शरणागति नहीं है, हमको इसलिए वो कृपा नहीं मिल रही जो उन लोगों को मिले। उनका प्रेम और शरणागति ज़्यादा थी इसलिए उनको कृपा मिली, हमारी वैसी नहीं है इसलिए हम लोग को सफलता नहीं मिलती। लॉर्ड चैतन्य इंस्ट्रक्टेड रूप एंड सनातन गोस्वामी टू डिस्ट्रीब्यूट लव ऑफ गॉड थ्रूआउट द लैंड। महाप्रभु ने रूप सनातन गोस्वामी को आज्ञा दी कि भगवत का प्रेम वितरण करिए पूरे बंगाल में, सब जगह पर जिधर जाओगे प्रेम को वितरण करो। हर भक्त का कर्तव्य है भगवान के प्रेम को वितरण करना, क्योंकि हर प्राणी संसार का दुखी है, चाहे वो स्वीकार करे या ना करे। कई लोग तो अहंकार बस मानते भी नहीं कि मैं दुखी हूँ, मैं कैसे मानूँ, उसका अहंकार में ठेस पहुँचती है, लेकिन सत्य तो है कि वो दुखी है, तो उसको कथा सुनाओ, नाम जपाओ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अच्छा मान लो कोई भी आपकी बात नहीं सुनता, आपका क्या घाटा हुआ? आपके मुख से 10 दफ़ा कीर्तन निकला, 10 लोगों के सामने 10 दफ़ा कीर्तन किया, उसने समझ आई या नहीं है, उसने बात मानी मानी, आपके हृदय में 10 दफ़ा उच्चारण करे, वो चीज आपके हृदय में तो गड़ गई हमेशा के लिए, तो आपको उसको कृपा मिल गई। तो आप ये सोचो कि भगवान ने मेरे उद्धार के लिए उन लोगों को भेजा, वो मुझ पर एहसान करें, मुझसे कथा सुन के मेरे मन को जबरदस्ती भगवान में लगा के मैं उन पर कृपा नहीं करूँ, वो मुझ पर कृपा करें मुझसे भजन करवा के। तो ये वक्ता के भाव होने चाहिए, नहीं तो मेरा मन भगवान में कैसे लगता? वो प्रश्न करते हैं बार बार, मेरे मुख से हरिगुण गान गवाते हैं, बार बार उच्चारण करता हूँ मैं, तो वो चीज़ मेरे हृदय में एटलीस्ट 2 पैसा तो उतरनी शुरू होती, 2-4 पैसे तो उतरेगी, वैसे तो बिल्कुल नहीं उतर पाती बार बार। और मेरे बार बार तो कीर्तन करने था, अगर ये पूछते हैं तो बार बार करना पड़ता है, बार बार कैसे वो चीज़ मेरे हृदय में उतरेगी। तो आपका कोई भी दृष्टि से नुकसान नहीं है, आपकी हानि नहीं है, चाहे कोई भक्त बने या ना बने, वो तो भगवान की इच्छा है, लेकिन अपना उद्धार आपका पक्का हो जाता है। तो ये हवा हमको हमेशा रखनी चाहिए कि मेरे उद्धार के लिए वो प्रश्न करे, मेरे उद्धार के लिए वो कह रहे ग्रंथ मुझे पढ़ के सुनाओ, मेरे उद्धार के लिए वो करे, वो मैं उसका उद्धार नहीं करा, वो मेरे पे कृपा करे, भगवान ने उसको भेजा मेरे उद्धार के लिए कि मुझे उसको ग्रंथ पढ़ के सुनाना पड़ता है। तो इसे कहेगा आपके अंदर का अभिमान भी नहीं आएगा और आपके अंदर दैनता बनेगी और आपको अनुभव होगा कि आप कितने तुच्छ हो, आपको तब कृपा मिलेगी, अन्यथा कृपा नहीं मिल सकती है। दीज बुक्स आर द रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू द बिलवड लॉर्ड। ये जो ग्रंथ लिखे गए, जो इनकी रचना हुई, ये परिश्रम का फल है और भगवान के प्रति उनका प्रेम का फल है कि भगवान ने प्रेम के कारण अपने भक्तों पर कृपा शक्ति प्रदान की। तो दो चीज़, ईमानदारी से भजन करना हमको और भगवान से प्रेम करना, तभी हमको कृपा मिलेगी, हमारे हाथ से असत कार्य हो सके। Therefore, it is not my order but the Lord's order that these books should be taken to Bengal. तो कहते हैं मेरी आज्ञा नहीं है, मेरे प्रभु की आज्ञा, महाप्रभु की आज्ञा है, इनका बंगाल लेके जाइए, go quickly to Gaurang land, महाप्रभु के धाम में जाइए, and may your journey be both pleasant and safe, आपकी यात्रा सुंदर और सुरक्षित हो, कोई तकलीफ ना आए। तो ऐसे शरणागत भक्तों पे जो विपत्ति अगर आती भी हैं तो प्रभु की इच्छा से आती, प्रभु उसे कुछ काम कराना चाहते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर को जेल भेज दिया गया, अब हम जैसे होंगे और देखो हरिदास ठाकुर को जेल भेज दिया था, ये था वो था, उनको पीड़ा हुई, लेकिन महाप्रभु की इच्छा था वो जेल गए। क्यों उनकी इच्छा से? क्योंकि भाव तो प्रचार कर सबका उद्धार करते, जो कैदी थे उनका उद्धार कैसे होएगा? तो कोई ना कोई बहाने से उसको जेल भेजना पड़ेगा, वैसी व्यवस्था की कोई नाराज हो, कुछ भी हो, बहाना कोई बने,
तो वो जेल गया तो जेल में सबको हरिनाम करवाया, सबका उद्धार करा। वो कैदी रोने लगे जब उनको छोड़ा गया, हमको छोड़ के मुझे हमको जो बहुत शांति मिलती आपसे कथा सुन के, अब नाम जब होना शुरू किया। तो ये महाप्रभु की इच्छा थी। इसलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं भक्तों के समय, हम हर परिस्थिति में भगवान की कृपा शक्ति देते हैं। ये विपरीत परिस्थिति आई, अगर मुझे जेल भी भेजा गया उसके पीछे भी कोई कृपा चल रही है, भगवान अपना काम करवाना चाहते हैं मेरे माध्यम से, इसलिए ऐसा किया है। संसार लोग बोलेंगे आओ देखो जो माला करा जब कर फिर भी जेल गया, कुछ गलत किया गया, तो वो कुछ भी बोलते रहेंगे। लेकिन जब ईमानदार भक्त होते हैं वो कृपा देखते हैं, प्रभु तू कुछ काम कर, अपने भक्त जो उधर है शायद उनका तो उद्धार कराना चाहता है, इसलिए क्योंकि तू दयालु है, कौन जाए कौन जेल में जाकर कथा सुना सकता है। तो कोई अलाव भी नहीं करेंगे जेल में, किसी को भेजेंगे भी नहीं जाके। लेकिन अगर मेरे को जेल डाल देते हैं तो मुझे उनका संग मिल जाता, तो वो कथा सुन उनका उद्धार हो जाएगा नाम जप के द्वारा। तो इसलिए अपने जेब में जो विपत्ति आती है वो अपने बुरे कर्म से आती है, जो शरणागत पे विपत्ति आती है वो प्रभु की इच्छा से आती है, कुछ प्रयोजन से आती है। वो प्रभु को कुछ काम करवाना होता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी इतनी शरणागत है, हम विचलित हो रहे हैं और याद देख माला करके भी हो रहा है, वो हो रहा है, वो कुछ नहीं हो रहा है, आपका मंगल ही मंगल हो रहा है। बाद में कुछ समय के बाद अक्ल आती, अरे बहुत अच्छा हो गया वो हो गया, पहले अक्ल नहीं आती ना, पहले तो हम गाली निकालते रहते हैं, बाद में हमें अक्ल आती है अच्छा हो गया। तो इसलिए अगर कथा सुनते रहोगे तो दृष्टि मिलेगी, तो शास्त्र की दृष्टि से आप संसार को देखोगे तो हर चीज़ में कृपा मिलेगी। यानी ये सब कथा सुनने के बाद भी अगर हमारे जीवन में नहीं फर्क पड़ रहा है तो उसका मतलब कि मेरी शरणागति में कमी है, मेरे भजन में कमी है, तो मुझे अपने भजन के स्तर को बढ़ाना है। ये बात हमें अब खुद स्वीकार करना पड़ेगा। गोर क्रिकेट टू गौरंग एंड दस योर जर्नी टू बी एंड मे योर जर्नी बी प्लान एंड सेव। ओ श्रीनिवास एंड नरोत्तम यू आर माई लाइफ एंड सो। नरोत्तम और श्रीनिवास आप मेरे प्राण और आत्मा हो। स्टे टूगेदर एंड कैरी आउट लॉर्ड मिशन। इकट्ठे रहिए आप भगवान के अभियान को सफल करिए। आई एम इम्प्रेस बाई योर गुड क्वालिटीज एंड आइडियल बिहेवियर। मैं आपके सदगुणों से और वैसे बहुत प्रभावित हूँ। एंड आई विल नेवर फॉरगेट योर एसोसिएशन। मैं आपका संग कभी भूल नहीं पाऊँ, क्योंकि जिसके संग से प्रभु की याद आए, जिसके संग से प्रभु की अधिक चर्चा हो, जिसके संग से अधिक नाम जपे, ऐसे भक्तों को कैसे भूल सकता है। श्री जीव देन टर्न टू श्यामानंद गोस्वामी। जी फिर श्यामानंद गोस्वामी को मुड़े और कहा, श्यामानंद आफ्टर रीचिंग योर कंट्री एंगेज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा एंड द वैष्णव। अपने देश ये उड़ीसा देश के थे, जब तो अपने देश उड़ीसा चला जाएगा, उत्कल देश उसका बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या करना, कृष्ण की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना। पीच महाप्रभु टीचिंग टू अदर्स एंड दिस विल लव आवर गॉड बाई प्रोपेगेटिंग कृष्णा होली नेम। महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रदान करना और क्या करना, प्रभु का प्रेम वितरण करना। कैसे, हरि नाम के द्वारा, हरि नाम करवा के ही प्रेम उत्पन्न होएगा, बिना हरि नाम करे प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। या और मैंने कहा ना, थोड़े भजन से आपका अनुभव नहीं होएगा, माला बहुत करनी पड़ेगी, 80, 96, 110, 120 जितनी माला अधिक से अधिक कर सकते हो करिए। अब तब आप अनुभव होएगा कि मेरे अंदर आप प्रेम संचार होने लगा, आपको खो लगा, मेरे मन पहले दया नहीं थी, अब दया उत्पन्न हो रही है, क्षमा हो रही है, संसार की उपेक्षा करो, मन उब रहा है संसार में, लेश मात्र मन नहीं लग रहा मेरा, सब कुछ हो रहा है, मुझे कोई कोई अच्छा चीज नहीं लगती कथा के अलावा, मैंने किधर इधर जाना नहीं है भगवान के भजन के अलावा। ये जो वैराग्य उत्पन्न होता है ना, ये भाव जो उत्पन्न होते हैं, इसका मतलब कि आपका भजन बहुत सही चल रहा है। अगर विश्व में फंसने की अगर लालसा बढ़ रही है, जाओ थोड़ा पार्टी मना लो, जाओ उधर होटलों में जा खा लो पी लो, पार्टी मना लो, ये करो वो करो, और माला तो होनी गंजा भर की बातें, वो मेरा मनोरंजन करे, मैं उनका मनोरंजन करो, तो समझो अभी आपका भजन बराबर नहीं है। क्योंकि क्यों वैराग्य, कितने सालों का है नाम भी, 10 साल हो गए, कई को 5 साल हो गए, कई को 8 साल हो गए, तो अभी वैराग्य उत्पन्न कब होएगा,
कुछ तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, बहु की वृद्धि बढ़ रही है और मालक कम हो रही, नहीं हो रहा है, हाँ नियम रक्षक गुरु ने कहते हैं 16 मालक कर ही लेता हूँ, वो कृपा नहीं है। हाँ ठीक है, रोटी चल सकती है आपकी, लेकिन कोई उससे भवान नहीं मिलने वाले, ना प्रेम उत्पन्न होया। आपको अगर स्वामी महाराज ने कहा 16 माला करा, स्वामी महाराज का शुद्ध नाम करना 16 माला, क्या शुद्ध नाम कोई करे 16 माला? वो शुद्ध नाम करने के लिए 100 माला करोगे शायद एक शुद्ध नाम निकले। अगर शुद्ध 16 माला करे हो तो आपको भवान की प्राप्ति हो जाएगी, 16 के तो एक माला में भी प्राप्ति हो जाएगी आपको। उन्होंने शुद्ध नाम करने के लिए बोला है, ये नहीं कि अगर शुद्ध नाम हो तो माला दी करो। हम लोग ना सार को पकड़ते नहीं है, वो कहना क्या चाहते हैं, और हम अपने मलिन बुद्धि से गलत अर्थ ले लेते हैं। जो बंदा एक भी शुद्ध नाम लेगा उसका भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तुम तो 16 माला फिर भी करो, वो भी शुद्ध करो, फिर तुम्हारी माला कैसे छूट रही है? माला करने की वृत्ति क्यों कम हो रही है? अगर माला में टेस्ट सारा शुद्ध नाम हो रहा है तो आपको तो भगवान की प्राप्ति हो जाती, भगवान का प्रेम उत्पन्न हो जाना चाहिए था, वो तो नहीं हो रहा। विषयों की लालसा बढ़ती जा रही है, थोड़े भजन से विषयों की लालसा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि माया भी तो खींचती है आपको, तो माया पे आप विजय प्राप्त नहीं कर पाते हो क्योंकि माला कमजोर है। कहते हैं ना कि लोग पहले जैसे डॉक्टर के पास एक बार जाते हो तो 3 टाइम के दवाई खाते हो, खाते हो कि नहीं खाते हो? हम लोग 3 बार डॉक्टर के पास जाते, 1 बार दवाई खाते, संघ के 3 बार दर्शन दे, लेकिन एक और माला, 1 बार दवाई खाएंगे, हरि नाम पे तो आराम कहाँ से आएगा, है ना? कई बार डॉक्टर 2-2 दिन के दवाई लेते, 3 दिन के दवाई लेते और खाते हो तभी आराम होता है। तो संत से दर्शन करो तो कथा जाप करो घर जाके तो लाभ होएगा। हम 10 बार दर्शन करेंगे और कथा नहीं सुनेंगे, जाप नहीं करेंगे तो संत क्या कृपा होएगा, कहाँ से आपको लाभ होएगा बताओ? हम सोचते हैं कि हम आगे पीछे घूम रहे हैं, हम दर्शन करें तो, हम डॉक्टर पास 10 बार भी गए, दवाई 1 बार खाए तो कहाँ से आराम आएगा? 1 बार जाओ, 2 दिन के दवाई लो, आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे। तो संघ के दर्शन करो, कथा सुनो, उसकी कथा सुनने जाओ, संघ का दर्शन के जाके शक्ल बैठ देखो, उससे कथा सुनो और फिर घर आके जप करिए, और जप से आपका इलाज होना है। लेकिन हमारी सारी क्रिया उल्टी है, माला करे नहीं करे, बस उसके पास जाओ, बार बार दर्शन करो, बैठ जाओ, उससे कुछ नहीं होगा। शरीर के दर्शन से कुछ होने वाला नहीं है, वाणी का संग होना चाहिए, वाणी की सेवा होनी चाहिए। Everything will be auspicious if you do this thing. हर चीज मंगल करेगा तो ये पालन करेगा। Don't be sad that you are leaving. दुखी नहीं होना कि तो वृंदावन छोड़ रहा है। You and your followers deliver many phones. बहुत से पतितों का आपने उद्धार करना है, आपके और आपके अनुयायियों ने, जो आपके बनेंगे सेवक, वो सब उद्धार करेंगे। Actually there is a devotee named मुरारी दास, एक भक्त है जिसका मुरारी दास है, अच्युतानंद सन, who has decided to take initiation from you. वो अच्युतानंद जी का पुत्र है, वो आपसे हरिनाम लेना चाहता है। Kindly remember all the instruction that I gave you. जो जो मैंने आपको आज्ञा दी है, शिक्षा दी है, उसको याद रखना। She then entrusted Shyamanand गोस्वामी तो नरोत्तम दास ठाकुर केयर, तो जीव गोस्वामी ने श्यामन को नरोत्तम दास को हवाले किया और कहा से नरोत्तम इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर हिम। नरोत्तम कहते हैं, नरोत्तम तेरी जिम्मेवारी, अब तो श्यामन का ध्यान रखेगा। टेल हिम व्हाट ही शुड एंड ही शुडंट डू एंड टीच हिम भक्ति रसामृत सिंधु। उसे आप बताए क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए। जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, मैं 64 प्रकार की भक्तियाँ दी गई हैं, उनमें से 5 मुख्य बताए गए हैं। 5 मुख्य हैं साधु संघ, भागवत श्रवण, मथुरावास, नाम कीर्तन और विग्रह सेवा। उन 5ों में से भी सर्वश्रेष्ठ नाम कीर्तन है। साधु संघ का फल है नाम कीर्तन, ग्रंथ पढ़ने का फल भी है भगवत नाम कीर्तन करना, विग्रह भी तब प्रसन्न जब नाम कीर्तन किया जाता है, और धाम भी तभी कृपा करता है जब धाम में भी नाम कीर्तन किया जाता है। ये 4ों का फल सर्व नाम है, नाम है। तो वो ग्रंथ में सब पढ़ना तब ज्ञान होएगा। एंड रिवील टू हिम द पर्पस ऑफ श्री रूप गोस्वामी अदर बुक्स, और रूप गोस्वामी ने अन्य ग्रंथों का उसका उद्देश्य क्या ये भी बताना।
देन यू मे सेंड हिम टू हिज कंट्री उड़ीसा, फिर आप उसको उत्कल देश में भेज दीजिए, उसको प्रदेश में, गिव हिम टू मैन एंड सम मनी सो दैट ही कैन ट्रेवल टू हिज होम विदाउट डिफिकल्टी, तो आप दो बंदे और कुछ पैसे देना ताकि अपने घर उड़ीसा जाए, उत्कल देश जाए बगैर कोई कठिनाई के। तो कथा को विश्राम देते हैं। वांछा कल्पत्रु भेश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।